लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। कई प्रोग्राम आपने देखे, आपकी किस्मत अच्छी थी मगर मेरी किस्मत ख़राब। हर दफ़ा मैं उम्मीद करता था कि शायद इस दफ़ा कोई मेहमान ऐसा आए जिससे मैं बात कर सकूं और जो कोई बातचीत का दायरा तमीज़ तक रखे, मगर कोई मेहमान ऐसा नहीं मिला। सब ने लूज टॉक का फ़ायदा उठाया। आज मैं पुरुम्मीद हूँ कि गुफ्तगू तहजीब और तमीज़ के दायरे में होगी, और जिसकी वजह यह है कि मेरे यहाँ जो लोग अपोजिशन में हैं वो डरे हुए हैं। वो जब बात करते हैं तो खुल के नहीं करते, तहजीब और तमीज़ के दायरे में करते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी मौका मिलता है टेलीविज़न पर आने का। मेरी और आपकी खुशनसीबी कि आज मेरे मेहमान हैं एक ऑपोजिशन लीडर। सलाम, बात यह है अनवर कि मैं लीडर हूँ, किस्मत ख़राब थी मेरी, कोई पोजीशन नहीं मिली, इसलिए मैं अपोजिशन में आ गया। सुभानअल्लाह, आपने एक मुश्किल को बड़ा आसान कर दिया ये कह के कि ऑपोजिशन लीडर जो होते हैं अगर उनको पोजीशन मिल जाए तो वो ऑपोजिशन में नहीं रहते। नहीं, जो जो तुमने बात की मैंने उसका जवाब दे दिया, अब आप डिटेल में मत जाइए इसकी। आपने कितने इलेक्शन लड़े? जितने इलेक्शन हुए यहाँ पर। कभी जीते आप? कौन आप? मेरा गला बैठा हुआ है, इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मेरा सवाल था कभी आप इलेक्शन जीते? मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि इस वक्त तुमको मालूम है फलस्तीन में क्या हो रहा है। मेरा सवाल था कभी आप इलेक्शन जीते? मेरी बात पूरी होने दो। मेरा सवाल था कभी आप इलेक्शन जीते? तुम लोगों में ये खराबी है कि बिला वजह जो है अपनी काबिलियत से सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त जो आदमी तुम्हारे सामने बैठा है वो कमजोर नहीं है। फलस्तीन में क्या हो रहा है, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। तो फिर सब देख रहे हैं, जो जब तुम देख रहे हो तो फिर तुम फलस्तीन पे बात करो। हर इलेक्शन में हिस्सा लिया, कभी आप जीते? अजीब जाहिल आदमी आप, माफ कीजिएगा, मैं फलस्तीन जैसे इंपॉर्टेंट इशू की बात कर रहा हूँ, आप इलेक्शन के पीछे पड़ गए, चार नंबर डाले इलेक्शन को। मैं आपको एक बात बताऊँ, अपना लेवल इंटरनेशनल रखो, अगर तरक्की करनी है तो इंटरनेशनल लेवल पे आना पड़ेगा, जब जाके हमारी बात सुनी जाएगी। सर मैं आपकी बात मानता हूँ मगर मेरा प्रोग्राम फलस्तीन पे नहीं है, प्रोग्राम है आप पर। अजीब आदमी हो, यानी तुम अपोजिशन लीडर से कह रहे हो कि मैं फलस्तीन पे बात ना करूँ, मुसलमान पे बात ना करूँ, किस किस्म के आदमी हो? तुम बिल्कुल जाहिल लग रहे हो मुझे इस तरह की बातों से। सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, नहीं तो मुझसे बिल्कुल लूज टॉक मत करना अनवर, मैं बता रहा हूँ सीधी बात, मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूँ, फलस्तीन पे रहो। लूज टॉक में फलस्तीन का मसला नहीं हो सकता। कौन क्यों नहीं उठ सकता, मैं उठा रहा हूँ, मैं एक अपोजिशन लीडर हूँ। आप बताओ मुझे कोई पाकिस्तान के अंदर एक लीडर बताओ जिसने फलस्तीन पे आवाज उठाई हो। मैं एक वाहिद लीडर हूँ, ओनली आई, ओनली आई, मैं यानी सिर्फ मैं। अब तुम्हारी अंग्रेजी इतनी कमजोर है तो उसमें कोई क्या करे। मेरा सवाल था कि कभी आप इलेक्शन जीते फलस्तीन में? चले मैं फलस्तीन की बात करता हूँ, फलस्तीन का जो प्रॉब्लम है। क्या फलस्तीन का क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यार, तुम लोगों में ये खराबी है, अपने मुल्क में इतने प्रॉब्लम है, पहले उनको ठीक करो फिर फलस्तीन पर बात करना। फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, अपने मुल्क के जो मसाइल है पहले उन पर बात करो। क्या बात करूं, आपके पास तकरीबन हर पार्टी का टिकट है। होमवर्क करके आया करो अनवर, इसीलिए कहता हूं हम जैसे बड़े लोगों का जब बुलाओ तो होमवर्क किया करो। क्या कह रहे थे तुम? क्या होमवर्क करूं सर, मैं आपसे मैंने एक सवाल किया कि कभी आप इलेक्शन जीते आप फलस्तीन पे आ गए। छोड़े उस सवाल को, आपके पास हर पार्टी का टिकट है। हाँ है मेरे पास, ये तुमने एक अच्छा सवाल किया। देखो मेरे पास हर पार्टी का टिकट जो है उसकी एक वजह है, मैं जब बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं वो टिकट जमा करूँ, मैं टिकट जमा किया करता था, और क्या करता था, थूक लगा के मैं चिपका देता था टिकट को कॉपी पे। मेरे शौक को देखते हुए तमाम पार्टियों ने मुझे जो है वो टिकट दिए और मैंने टिकट लेके चिपका दिए। मगर आपने हर पार्टी को थूक लगाया। बकवास है,
थूक लगाए, चूना लगाया। चूने और थूक में बड़ा फर्क होता है। अब ये तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को मालूम होना चाहिए थूक और चूने का फर्क। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये याद रखो कि हम अपोजिशन लीडर हैं। आपने किसी हुकूमत का साथ दिया कभी? कभी साथ दिया आपने? क्यों दे हुकूमत का साथ? मुझे एक बात बताओ, हुकूमत ने हमको कोई पोजीशन दी कि हम आप लोगों की कोई खिदमत कर सके, फिर मैं बाहर रह के हुकूमत का साथ क्यों दूं? हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। बड़े जक्की आदमी हो, बूढ़े होते जा रहे हो ना तुम। मैं जिधर बात को घुमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने टॉपिक चेंज करके मैं फलस्तीन पे आया, तुम वापस वही बात कर रहे हो, इलेक्शन जीते इलेक्शन जीते। सर ये मैं रिपोर्ट, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बात करता नहीं, सारे सवाल लिखे हुए मेरे पास, सारी आपकी बातें वाली लिखी हुई। जितने इलेक्शन पाकिस्तान में हुए गिने चुने, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ गिने चुने, बल्कि सिर्फ चुने। देखो यहाँ पहले चुन लिया जाता है, गिना तो बाद में भी नहीं जाता, और जो चुन लिया जाता है वो चुन लिया जाता है, सिर्फ चुने इलेक्शन होते। आप दोबारा कहें, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इलेक्शन जो है ना गिने चुने होते हैं, बल्कि पहले चुने जाते हैं बाद में वोट गिने भी नहीं जाते, और जो गिनने वाले हैं वो पहले से जो है चुन लेते हैं, इसलिए इसको चुने 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 इलेक्शन कहते हैं। मैडम नूर जाने आपके इलेक्शन पे से पोल खोल दी, हुजूर तक कह दिया, चुन लिया मैंने उन्हें, सारा जहां रहने दिया। बात कर रहे हो? आप कैसी बात करते हैं? इलेक्शन बेईमानी नहीं होती यार। अगर ये कोई प्राइवेट आदमी कोई ऐसी बात करता मैं उसके थप्पड़ मार देता। कहते हो इलेक्शन में बेईमानी नहीं होती? अरे मैं खुद इलेक्शन में पिछली दफा खड़ा हुआ था, मैंने अपने 3 वोट खुद डाले थे। आपको कुल 3 वोट मिले थे? 3 वोट इसलिए मिले थे, देखो उसकी एक रीजन है। 3 वोट मुझे इसलिए मिले थे मेरी जान, कि मैं वोटरों को पैसा नहीं देता। मैंने अपने ही आपको 2 दफा पैसे दिए और जाके मैंने वोट डाला। मैं पैसे किसी को नहीं देता। वो तो आप अपनी फैमिली को भी नहीं देते। ये मेरे बेटे ने तुम्हें बताया होगा। ये बड़ा जाती सवाल था, मैं इसकी माफी मांगता हूँ आपसे। चलो तुम पहले आदमी हो कि जिसने इस मुल्क में कम से कम मुझसे माफी तो मांगी। मैंने एक बहुत आसान सवाल किया सर। क्या? बहुत ही आसान सवाल था कि कभी आप कोई इलेक्शन जीते? क्या हो रहा है अनवर? देखो कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और देखो कमाल की बात यह है कि लोगों के कानों पे चूनी रेंग रही है। कितना इम्पोर्टेंट मसला है। मैं तो ये कहता हूँ मुसलमान मुसलमान को काम आना चाहिए। मेरा प्रोग्राम कश्मीर पे नहीं है, आप पर है। तुम्हें शर्मानी चाहिए, तुम्हें डूब मरना क्यों चाहिए? चाहिए शर्म मुझको? तो इसलिए शर्माना चाहिए कि इतने इम्पोर्टेंट इशू पे मैं बात कर रहा हूँ और तुम घुसे हुए हो इलेक्शन में। क्या है इलेक्शन में कि आप इलेक्शन जीते? आप कश्मीर को अपने प्रोग्राम में कहाँ ले आए? मैं फिर कहाँ ले जाऊँ? देखो कश्मीर एक इम्पोर्टेंट इशू है, उस पर बात करना ज़रूरी है अनवर। मगर सर ये प्रोग्राम आप पर है। किस पर? आप पर है। अजी गोलियाँ मारिए मुझे, आप बात कर रहे हैं फिर घुमा फिरा के वहीं ला रहे हो। इम्पोर्टेंट इशू, उस पर बात करो। कश्मीर एक इम्पोर्टेंट इशू है, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अभी जो आपने बात कही उसको आपके लिए कराची आना पड़ेगा, हम ये प्रोग्राम इस्लामाबाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपने भी कहा कि गोली मारी है मुझे इस्लामाबाद में। आप चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ दूसरा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, या तो आप बहुत ज़हीन हैं या मैं। सुनो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जितने तुम बेवकूफ़ हो ना मैं उतना ज़हीन नहीं हूँ। समझ में आई बात? किसी और टॉपिक पे भी बात करो, अपनी इंफॉर्मेशन को महदूद मत करो, ताकि तुम्हें टीवी के दूसरे प्रोग्राम में भी कंपेयरिंग के लिए बुलाया जाए। कश्मीर का मसला अब सर बहुत संजीदा मसला है, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। चले आप कश्मीर बात करना चाहते हैं, आप बात करें मुझसे कश्मीर पे। यही तुम लोगों में खराबी है, अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं है, निकले हो कश्मीर पे बात करने के लिए। अबे पहले अपने यहाँ के तो हालात ठीक होने दो, इंतज़ार करो यहाँ के हालात ठीक होने का। मेरे प्रोग्राम का वक्त 20 मिनट है, 20 साल नहीं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आप क्यों आए? मैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इसलिए हूँ कि इन्होंने लौंडे भर लिए। कौन भर लिए? लौंडे लौंडे। आप जबान इस्तेमाल सही करें। अबे तो क्या कहते हैं, हमारे जबान में लौंडे ही कहते हैं नौजवान। नौजवानों को समझ में आए बात, नौजवान भर लिए। अभी नौजवानों को क्या पता कि उनकी पैदाइश से पहले यहाँ के हालात क्या थे और क्या हो रहा था यहाँ पर। तो ज्यादा उम्र के सियासतदारों ने इस मुल्क के साथ क्या किया इसका बताएं मुझे आप। मैं बताता हूँ, लेकिन इसका जवाब बहुत तवील होगा।
तुम ये बताओ इस प्रोग्राम का पार्ट टू आएगा क्या? इसका पार्ट वन मुकम्मल हो जाए तो मैं शुक्र अदा करूंगा। ऑपोजिशन का मतलब क्या है? ऑपोजिशन का मतलब यह है कि हुकूमत जो भी अच्छा काम करे उसके खिलाफ बोलो। ये मतलब है? बिल्कुल यही मतलब है। मेरी समझ में नहीं आया। किसकी समझ में नहीं आया? मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो क्या अंग्रेजी में समझाऊं मैं तुम्हें? मुझे आपकी उर्दू समझ में नहीं आ रही तो अंग्रेजी का समझ में आएगी? अनवर बिल्कुल तमीज से बात करना, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। आप उम्र मुझसे नहीं बड़े सगी से बड़े। अरे नहीं यार, मैं उस उम्र की बात कर रहा हूँ जो मैंने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखवाई थी। जनरल साहब खुद पावर में नहीं आए? अरे तो जनरल साहब जो है उसी दिन पावर में आ गए थे जिस दिन उन्होंने यूनिफॉर्म पहना था। मुल्क के हालात ऐसे हो गए थे मजबूरन उनको इख्तदार संभालना पड़ा। तो नवाब शाह उतर जाते? नवाब शाह उतर जाते, वो भी पाकिस्तान का एक शहर है, 50 डिग्री वहाँ पड़ रहा है। अब सुना है कि न्यूजीलैंड को वहाँ मैच खिलाने ले जा रहे हैं, वो आधे मर गए, उनको पूरा मरवा दो। सर ये सियासी प्रोग्राम है, मैं आपका इंटरव्यू करूँ, इसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कहाँ से आ गई? नहीं तो कितना कोई तरीका होता है, वो ग्रिल हुए हुए बेचारे इस कदर पिट रहे हैं, कोई एक तहजीब और तरीका होता है, बंद करो ठंडक का इंतजार करो, उनको मरवा दिया, उनकी रेपुटेशन खराब कर दी, 300-400 धड़ाधड़ रन बना रहे हैं। सर आप तो इस मुल्क की टोटल पॉलिसी के खिलाफ लग रहे हैं, आप स्पोर्ट्स को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मैं जो हर चीज देखो, मैं हूँ अपोजिशन और मैं ऐसे पॉइंट तलाश करता हूँ। यार बताओ, ठंडे मुल्क में रहने वाले न्यूजीलैंडरी, उनको बेचारों को यहाँ बोलो। न्यूजीलैंडरी कोई लफ्ज नहीं है। फिर क्या है? न्यूजीलैंडर्स। वही वही जो भी है, लेकिन ये बात समझ में आ गई है ना तुम्हारे, काफी है वो, उनको यहाँ बुला के खिलवा रहे हो 50 डिग्री में। अरे यहाँ के लोग पिघल जाते हैं तो वो तो बेचारे मोम के बने हुए होते हैं, क्या खेलेंगे वो? वो कौन सी सब्जी है उसका नाम भी सुना टीवी पे नहीं ले सकते, क्या खेलेंगे वो? बहुत सी बातों का कहना आसान है मगर करना मुश्किल है। एक बात आपको मानना पड़ेगी कि हमारे मुल्क के हालात बदले। मुझे मीनार है पाकिस्तान पे तकरीर करने दो। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि हर हुकूमत की तुम चमचागिरी करते हो, उसके बाद तुम हर दफा प्रोग्राम में आते हो। अगर मैं किसी हुकूमत की खुशामद करता, ये चमचागिरी करता, तो दूसरी हुकूमत मुझे प्रोग्राम नहीं देती। अबे तो मैं कौन सा हुकूमत की फेवर में हूँ, मैं भी तो हुकूमत के मुखालिफ हूँ, फिर मुझे टीवी पे क्यों नहीं आने देते ये? आप हर हुकूमत में शामिल होना चाहते थे, जब आपको एडमिशन नहीं मिला तो आप अपोजिशन में आ गए। मैं किसी हुकूमत में शामिल होना नहीं चाहता। सर मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ। ये तुमने पूरे एक घंटे की बकवास में एक बार ढंकी की कि तुम एक छोटे आदमी हो, ये पूरा मुल्क जानता है कि तुम एक छोटे आदमी हो, लोगों की टांगे खींचते हो, उनकी बेइज्जती करते हो। आपने हर इलेक्शन लड़ा? हाँ लड़ा। कभी आप जीते? छोटा सा आसान सवाल है। फिर वही, दुनिया में क्या हो रहा है, मुसलमान मर रहे हैं, अब तुम अफगानिस्तान को देख लो, क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? तुम्हें इलेक्शन की पड़ी हुई है, जी चाहता है तुम्हें थपड़ाइस कर दूं मैं। सर चले ना हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। जो नई हुकूमत आई है उसने कहा सिंध को पानी मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिनरल वाटर की बोतलों में मिलेगा। ये आप लोगों का रवैया में समझ में आया। बलूचिस्तान में तालीम आम होगी? बलूचिस्तान के अंदर सब लोग छोटे बड़े जब तक पूरी तरह से तालीम हासिल नहीं करेंगे, तालीम आम कैसे होगी? कालाबाग डैम बनेगा? अबे कालाबाग डैम वैन डैम ही आके बनाए तो बनाए। वैन डैम? वैन डैम को नहीं जानते हो? हॉलीवुड का एक एक्टर है, समझ में, सारे काम खुद ही कर लेता है, खुद ही जीप उठा लेता है, खुद ही पाए बना लेता है, खुद ही टंकियां रख लेता है, खुद ही गोलियां, सब काम खुद करता है। आप फिल्में देखते हैं? और क्या करें, हुकूमत जब कोई मौका नहीं दे रही है, फारिग बैठे हुए हैं तो घर में बैठ के कब तक आदमी बीवी का मुंह देखेगा? टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। मगर आपकी बेगम और आपके बच्चों ने रेफरेंडम के दिन हाँ में वोट दिया। मेरे से मक्कारी की, झूठ बोला है, मुझसे कहा था कि हम ना पे टिक लगाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने हाँ कर दी होगी, वो जनरल साहब की बड़ी तारीफ करती हैं। दुनिया भर में अच्छी अपोजिशन जो होती है सर, वो हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। आप समझते नहीं इसको, अपोजिशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
मगर अपोजिशन में बैठने के लिए इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है अनवर? कभी अगर गौर करो तो पगल आ जाओगे। हमें इस वक्त आप बात कर रहे हैं, चले आप अफगानिस्तान बात करना चाहते हैं, करें मिस्टर अफगानिस्तान बात। क्या प्रॉब्लम है अफगानिस्तान का? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तुम्हें अफगानिस्तान की सूची भी है? यार इधर की बात करो अनवर, इधर की। यहाँ देखो क्या पीने का पानी ठीक नहीं आ रहा, यहाँ ट्रैफिक का मसाइल है, यहाँ बत्ती चली जाती है, यहाँ किस कदर एजुकेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है। ये मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये अकेले जनरल साहब का काम नहीं है कि वो सब कुछ ठीक कर। अक्टूबर के इलेक्शन में आप खड़े हो रहे हैं? कौन आप खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में अक्टूबर के? अबे तो लेट के इलेक्शन में कौन हिस्सा ले सकता है भाई, खड़े होके हिस्सा लूंगा ना, खड़े हो रहा हूँ मैं इलेक्शन में। कौन सी जमात आपको सपोर्ट कर रही है? भाई ये खराबी है, जो जमात मुझे सपोर्ट कर रही थी अब पता नहीं क्यों नजरें चुरा रही है, और रीजन भी नहीं बताती है मुझे नजर चुराने का। सर मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे बहुत बात करूँ। हाँ तो करो, टाइम तुम्हारा ही है। मगर अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़हीन बनाया है। बस यार कभी तकब्बुर नहीं किया अनवर, यही वजह है कि आज मैं इतना मुल्क में जाना जाता हूँ। तकब्बुर नहीं किया कभी, ज़हानत है लेकिन तकब्बुर नहीं किया। इस मुल्क की उम्र से दुगनी उम्र है आपकी। किसकी? आपकी। मेरी? जी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मेरा दिमाग ख़राब है इसी वजह पूछ रहा हूँ। कभी आपने सोचा कि आपने इस मुल्क को क्या दिया? अपनी ईमान से बताओ, तुम ये सोचो कि मुल्क ने मुझे क्या दिया सिवाय चंद प्लॉटों के, चंद परमिटों के? और क्या दिया हमने ज़िंदगी लगा दी पूरी, क्या मिला हमको? मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का पार्ट टू भी आएगा। आना चाहिए, क्योंकि देखो ये पहली, एक तो 54 साल के अंदर पहली दफ़ा मुझे मौका मिला टीवी पे आने का, समझे, तो इसका पार्ट टू ज़रूर आना चाहिए। अभी बहुत सारी बातें, देखो अब तक मैंने कितने काम की बातें की, ये कौम सीखेगी उससे, सबक लेगी जो कुछ मैंने कहा है, इसलिए कि हमें बोलने का मौका मिलेगा तो लोगों को समझाएंगे ना कि हम क्या हैं। आपकी बातों से नाज़रीन की आंखें खुल गई होंगी। बस मैं यही चाहता हूँ कि खुदा करे इस कौम की आंखें खुले, थक गया हूँ कह कह के। आपने एक ऑपोजिशन के लीडर की बातें सुनी, मैंने नहीं सुनी। अगर मैं सुनता तो शायद इस प्रोग्राम का रुख किसी और से चला जाता। अगर इस प्रोग्राम का पार्ट टू आया तो फिर मैं इनसे किसी और लहजे में बात करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। आज मेरी मेहमान भी एक कुकिंग स्पेशलिस्ट है। खाना पकाना किससे सीखा आपने? मैंने अपने ताया जान से सीखा। आपने एक ऐसे शख्स से खाना पकाना सीखा जिसको खुद खाना पकाना नहीं आता था? कतरा कतरा दरिया बनता है, उसी तरह अंडा अंडा जो है वो ऑमलेट बन जाता है। बात सुनिए, अभी आलू गोश्त के पीछे पड़ गए, क्या जान लेंगे मेरी? आलू गोश्त बनता है 20 मिनट में। एक तो नागा है आज गोश्त का, और मैं ताज़ा ही बनाती हूँ आलू गोश्त।